भारत की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मशहूर अदाकारा सोनम बाजवा ने अब तक बॉलीवुड में कदम ना रखने के सवाल पर खामोशी तोड़ दी सोनम बाजवा ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारी के जौहर दिखाकर मकाम हासिल किया तहम बेपना मकबूलियत और टैलेंट के बावजूद इन्होंने बाबा तौर पर बॉलीवुड में एंट्री नहीं दी है जिसके मदा अभी मुंतजर हैं हालिया इंटरव्यू में सोनम बाजवा से जब इस मुतालिक सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही हूँ मुझे कुछ फिल्मों की पेशकश हुई थी लेकिन मैंने इनकार किया सोनम बाजवा ने कहा कि मुझे कुछ लोग समझते हैं कि मैं मुंबई में नहीं रहती इसलिए बॉलीवुड में काम भी नहीं करना चाहती लेकिन मैं शुरू से ही कहती आई हूं कि मुझे जब अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो खुशी खुशी बॉलीवुड में काम करूंगी अदाकारा को 2019 में रिलीज होने वाली फिल्म बाला में मुख्तिर किरदार निभाते हुए देखा गया था लेकिन वो अब तक मरकजी रोल के साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आई साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने से मुतालिक सवाल पर सोनम बाजवा ने कहा कि दरअसल मैं साउथ इंडियन सिनेमा के लिए भी काम करना चाहती हूँ मैंने कुछ सालों पहले काम किया था लेकिन फिर पंजाब जाकर वहां काफी मसरूफ हो गई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि मुझे दीगर जबानों की फिल्मों में भी काम करना चाहिए क्योंकि यह मेरे लिए बेहतर रहेगा आखिर में अदाकारा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मैं भारतीय अदाकार और एमी बिर के साथ भी काम करने की ख्वाह हूं